हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएलएड फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में जो सेकंड यूनिट फिलॉसफी की है उसमें नेचुरलिज्म के बारे में। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है फिलॉसफी मीनिंग कॉन्सेप्ट नेचर स्कोप एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप विद एजुकेशन के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गए हैं। आज हम नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रकृतिवाद में पहला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? उद्देश्य के क्षेत्र में है, शिक्षण विधि के क्षेत्र में है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में है, पाठ्यक्रम या अनुशासन? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण विधि। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के शिक्षण विधि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन है, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद या प्रकृतिवाद? लर्निंग बाय डूइंग जो सिद्धांत है वो किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद विचारधारा ने ही लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टेन किस वाद ने स्वीकार किया है? अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है यह किस वाद ने स्वीकार किया है? यह प्रकृतिवाद ने या योगवाद ने, आदर्शवाद ने या न्यायवाद ने? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद ने। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे किस वाद ने स्वीकार किया है? प्रकृतिवाद ने। इन्होंने जो अध्यापक का स्थान होता है उसे पर्दे के पीछे बताया है। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक दिशा की संज्ञा किसने दी है? नकारात्मक दिशा की संज्ञा किसने दी है? प्लेटो ने, हरवाट ने, रूशो ने या ड्यूबी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा रूशो ने। नकारात्मक शिक्षा की संज्ञा रूशो ने दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? अरस्तु, रूशो, प्लेटो, ओटावे? क्या कि निम्नलिखित में प्रकृतिवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? प्रकृतिवाद का संस्थापक रूशो को माना जाता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमो उत्कर्ष प्रदान किया। प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमो उत्कर्ष प्रदान किया कॉमेनियस, टी एच हक्सले, बेकन या रूसो? प्रश्न है कि प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमो उत्कर्ष प्रदान किया, इसका आंसर हो जाएगा रूसो ने। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है। सॉरी गाइस, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतिम सत्ता भौतिकवाद में है, आध्यात्मिकता में नहीं। अंतिम सत्ता भौतिकवाद में है, आध्यात्मिकता में नहीं, यह मान्यता किसकी है? प्रकृतिवाद की है या प्रयोजनवाद की, आदर्शवाद की, यथार्थवाद की? इसका आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद की। अंतिम सत्ता भौतिकवाद है, आध्यात्मिकता नहीं, यह बात प्रकृतिवाद में माना गया है या प्रकृतिवाद की मान्यता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकृतिवाद का प्रकार नहीं है? पदार्थवादी, जैववादी, यंत्रवादी, प्रौद्योगिकीवादी? निम्नलिखित में कौन सा प्रकृतिवाद का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकीवादी प्रकृतिवाद का प्रकार नहीं है। आज के इस वीडियो में हमने 9 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखे प्रकृतिवाद के टॉपिक पर। अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नई वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।